बेसन प्रशासन हो गया तो आप भी बेसन हो जाओ। शायद प्रशासन भगवान जाना है, अब यहाँ पे लोग मरेंगे त्वार के ऊपर किसी का लाल बिछड़ेगा तब जाके प्रशासन दागेगा और तब जाके यहाँ पे खड्डे भरे जाएंगे। इससे पहले नमस्कार, मैं अजय और नाम छोटी काशी है, लेकिन यहाँ का प्रशासन की कहें तो कह सकते कि बेशर्मी ढा रखी है, यानी बेशर्म छोटी काशी का प्रशासन। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे और कुआ दूंगा। अब जो अब त्यौहार तो शुरू हो गए और त्योहारों के अंदर अगर बाज़ार की बात की जाए रौनक भी देखी जा सकती है, तो बाज़ार में दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जाने लग रही है। और अब करवा चौथ कद का है मेरा भाई मैंने है बहन जी, करवा चौथ कद का है चौबीस का है, बट करेंगी ये लिया कि नहीं लिया? हमने लिया ना, जब डिलीवरी भी बेकमी है, जब डिलीवरी जब डिलीवरी है घनी है हाथ में रोटी भी है। हेलो हाँ हेलो, चलो हेलो है तो त्यौहार है, अच्छी बात है। देश के अंदर महिलाएं बड़ी धूमधाम से बनाऊंगी, चाहे करवा चौथ का हो और चाहे दीपावली की बात हो। और यहाँ पे जो एरिया में जड़ा में खड़ा हूँ ना, इस एरिया में ये वो बाज़ार है जहाँ पर फुटपाथ के ऊपर दीवे बेचने वाले, कैलेंडर बेचने वाले, ऐसे अन्य और लोग हैं जो यहाँ पे फुटपाथ के ऊपर 2 रुपये कमाओगे ईमानदारी तय। लेकिन दुर्भाग्य यो है, ये समस्या मैं आज नहीं 3 से 4 बार दिखा चुका जो समस्या है, लेकिन आज ये समस्या गंभीर बढ़ती आने लग रही है। अब पता को नहीं प्रशासन को चेत को नहीं, या प्रशासन ने किसी ने बताई को नहीं, ये गुंगे बैरो का शहर है या चौक है, इन्हें बताई को नहीं ये व्यवस्था यह होगी। अब यहाँ पे तो गरीब लोग कमा के खाया करते, एक तो वो नुकसान हो गया, दूसरी बात त्वार को पर अगर ये खंभा गिरेगा तो किसका नुकसान होगा और क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि आज की व्यवस्था यह है, ये नीचे से थोत है और ईंट फट रही। आगे आ जाएगा, मैं देखूँगा आगे दिखा दे, यह व्यवस्था है। अब इससे 3 नुकसान होंगे, शहर के रोड भी धसेंगे और शहर की त्वार के ऊपर लाइट भी बंद हो सका है, और कहीं ना कहीं आज दुकानों के अंदर पानी मरेगा तो इन दुकानदारों का भी नुकसान हो सका है। आपदा किसी टाइम भी आ सका है, वह तो आपदा है, आपदा का कोई रूप क्या सब रूप नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य यो भिवानी का प्रशासन सिर्फ दौरे कर रहा, चाहे DC गुरु में हो चाहे वो SP गुरु में हो। अब कल यहाँ से DC साहब निकले थे, पता नहीं यहाँ से निकले थे या किसी और एरिया से निकले थे, लेकिन शहर में सरसराटा है कि DC साहब ने SP साहब ने दौरा कर दिया। क्या दौरा करने के बावजूद DC साहब को या किसी नेता को, भिवानी के नेता को ये खड्डा ये चौक कभी नहीं दिखा गया जो देखना चाहिए था, जरूरी है, क्योंकि ये व्यवस्था है शहर के अंदर घुसते ही। अब यहाँ पे कोई हादसा हो तो कौन जिम्मेवार होगा और किसके माँ के लाल बिछड़ेंगे, चाहे वो बेटी गुरु में हो चाहे वो बेटे गुरु में हो। तो बोले भितर एक दुकान खड़े है, गद्दी बजा खड़ा है मंदिर, क्या जब बचा के नमस्ते, क्या नाम है? संजय कुमार जी, या जो हालात आज की? हाँ जी, कितने साल पुरानी है ये? कई सालों से है जी। ये बात अपलेशन दी है आज तक? कौन दिया करो, कहते हैं ठीक कर जाते हैं साल में एक बार ही। अच्छा, फिर न्यू का न्यू हो जाए, आज कोई बड़ा अच्छा हो जाएगा तो किस प्रकार से छूटा जाएगा, क्योंकि लाइट भी खंभा भी गिरने पे है, रोड भी धस गया, सीवर भी है, मेन प्रॉब्लम क्या है? ये आए साल ही दब जाती है जगह। अच्छा, इसलिए बरदान हो गया? हाँ। तो DC साहब कल आए थे? मेहर तो नहीं आए, कल यहाँ पे नहीं आए क्या? गए थे DC साहब पैदल थे कि क्या थे? गाड़ी में थे। ओहो, गलती कर दी DC साहब ने, गाड़ी में आ गए लेकिन पैदल आना था। तो प्रशासन सुस्त है, प्रशासन के है, प्रशासन आराम खोरी क्यों करा रहा है काम के प्रति? कल किया था फोन, वो यो कोई तो बोला हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, हाँ कोई बोले वो कमेटी वाले आएंगे। अच्छा, हाँ बात टाल देते हैं, बात टाल दी गई। आपने कहाँ का फोन किया था? कल एक बार तो बिजली विभाग वाले आए थे। अच्छा जी, वो बोले हमारी जिम्मेदारी नहीं है, फिर कमेटी वाले बोले हमारे एंटर में नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे कितने लोग बैठ के कमाया करते त्यौहार के ऊपर? कई हजारों आदमी आऊंगे जी, दीवे वगैरह भी कहेंगे।
हाँ लेने वाले भी आएंगे और बेचने वाले भी आएंगे बहुत जगमगा रहा यार। हाँ जी अतुल रोहिला जी है घंटा घर यूनियन मार्केट के व्यापार मंडल के प्रधान है। दौड़े पैदे हैं चकाचंद है प्रधान की पोजीशन में है। प्रधान जी बेशर्मी आप लोगों की है या अधिकारियों की है जो आपने दिखा को नहीं आप उन्हें दिखाओ को नहीं ऐसा है जी। ये बेशर्मी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की है। ऐसा अधिकारी कौन सा है जो छोटे से छोटा अधिकारी और बड़े से बड़ा अधिकारी यहाँ से न गुजरता हो। कल भी यहाँ पे डीसी साहब और एसपी साहब गए थे यहाँ से। हाँ यहाँ से गए थे कल शहर का दौरा कराया था गाड़ी में गए थे। पर दो साल से भाई हो और ये दो साल से बुरा ये काफ़ी समय से है ये बुरा हाल है इसका। और हमने प्रशासन को भी अवगत कराया था महेंद्र जेई है उनके पास मैंने फोन किया था भी ये सीवर यहाँ पे धसा हुआ है। नुवेला जी ठीक है जी इसको कराएंगे चेक। अच्छा जी हाँ जी चेक कराएंगे। हाँ जी लॉलीपॉप दे दिया। हाँ मीठी गोली देनी है, है। अब इससे डबल नुकसान होना है। अच्छा ये कल बारिश में हमारे यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया सारा पानी यहाँ मर गया और ये खम्बा गिरने को है गिरने को होगा सरकार को डबल डबल नुकसान और सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को परेशानी होगी। यहाँ पर हजारों आदमी अब की बार त्योहारों के ऊपर कमा के खाते हैं। कोई दीवे बेचेगा कोई कलंडर बेचेगा कोई पता नहीं क्या आइटम बेचेगा जान माल का भी खतरा है पूरा। और पूरी बाजार की लाइट बंद हो जाएगी पूरे बाजार की लाइट बंद त्योहार के ऊपर दुकान ठप हो जाएंगे नाम बदनाम हो जाएगा। अतुल रोय लगा दौड़े पैर लिएगा क्योंकि प्रधान है हो जाएगा नहीं ना बिल्कुल बिल्कुल पहला प्रधान का होगा बिल्कुल। तो इससे पहला तो अभी ऐसा काम कर लो कि सीसीटीवी भी आपके अस्पताल में अपने सारे काम करवा रखे हैं तो पूरा कपड़े काट के बैठे जाओ के बेरा प्रशासन जाके जा बेसन तो प्रशासन हो गया तो आप भी तो बेसन हो जाओ। शायद प्रशासन शायद ही किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। अच्छा बगैर हादसे के प्रशासन जगता नहीं। अच्छा हाँ बगैर प्रशासन हादसे के। अच्छा यार दिवाली भेंट मांगे किसी किसी की। हाँ देखो किसी न किसी की भेंट मांगे है ये देखो आप कितना बड़ा खड्डा हो गया कितना गहरा खड्डा हो गया ये नू को नहीं है एक ही मरेगा। आज देखो नहीं पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे शहर के त्योहारों के ऊपर लोगों की जान खतरे में है। बिल्कुल जी बिल्कुल है और प्रशासन की सिर्फ बेशर्मी की वजह से बिल्कुल जी हाँ जी मान सकते हैं बिल्कुल। लाइट लगा दी ट्रैफिक लाइट लग रही शहर में बहुत बढ़िया बहुत है पता नहीं क्या झंडे गाड़ दिए दुर्भाग्य यो है पता नहीं क्या साल खराब है कितने साल खराब है। हाँ जी ना यो तो ढाई साल से ढाई तीन साल से लाइट लग रही लाइट बहुत दिन से शुरू से ही खराब है। आया होगा नहीं आया होगा मैंने कौन खा गया भगवान जाना है। अब यहाँ पे लोग मरेंगे त्वार को ऊपर किसी का लाल बिछड़ेगा तब जाके प्रशासन जागेगा और तब जाके यहाँ पे खड्डे भरे जाएंगे। इसलिए इससे पहले किसी को किसी की सूद नहीं है चाहे प्रशासन की हो चाहे वो सत्ता की हो। और दुर्भाग्य डी साहब आपके लिए भी है कि आप इसी रोड से गुजर गए और आपको शाम को ये खड्डा नहीं दिखा क्या शहर के बाजारों के जो व्यापारियों के मुँह को दिखे आपने अगर दिखे थे तो आपने यहाँ पे कार्रवाई अब तक शुरू हो जानी थी ताकि त्यौहार का टाइम है करवा चौथ भी आने लग रहा है और कहीं ना कहीं अब दीपावली भी ज़्यादा दूर को नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है हजारों आदमी कमान के खाने की बजाय यहाँ पे मौत का सामान लेके बैठेंगे क्या पता किस दिन के अच्छा हो जाए क्योंकि आपदा किसी दिन भी आ जाए। हाँ किसी भी टाइम आ जाए या तो प्रशासन इसको ठीक करवाए और न तो फिर हमने ये अपने व्यापार मंडल के कोष से उसको ठीक करवाना पड़ेगा इसमें मलबा वगैरह गिरवाएंगे या दानगिरी के प्रधान जी जब सही सिस्टम जब सही सिस्टम है जब पैसा पास होगा सारे काम होंगे सारे काम पैसे आओगे तो उसको करवाना चाहिए उसका काम है। आप पैसे कब तक लगाओगे पैसे अगर कोई भी कर्मचारी अधिकारी कोई महकमा करेगा नहीं तो हमने अपना खुद करना पड़ेगा। आज से एक हफ्ते पहले अमर उजाला में एक वो मोबाइल नंबर आया था भाई अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट हो स्ट्रीट लाइट की तो इस पर फोन करे। अच्छा हमने फोन कराया वो आज तक ठीक नहीं हुई एक हफ्ता हो गया इसलिए हमने मजबूरन हो गए अपना वो अपनी लाइट लगा। वो नंबर कौन था वो लॉलीपॉप था नया नया त्योहार को पर जो दुकानदार को ग्राहकों को और आम जनता को देना था। दिवाली तो बोलना नहीं चाहिए बिल्कुल बिल्कुल ठंडी है मंदी है इसकी चिंता किसने ना जी ना किसी ने चिंता को नहीं लेकिन ये है लॉलीपॉप दे दिया इस दिवाली तब तक हम चुप रहोगे बिल्कुल बिल्कुल नहीं ना ठीक चुप रहोगे ना क्योंकि फोन मिलाए जाएंगे माथम बच्चे करे जाएंगे चुप रहेंगे लोग कोई भी चुप रहना ही पड़ेगा जी और क्या करे जी। तो लगता है कि अब बेशर्मी में टूटेगी चाहे विधायक की हो चाहे एमपी की हो चाहे किसी प्रशासन डिपार्टमेंट के अधिकारी की हो। देखो जी प्रशासन को एमपी एमएलए को देखना चाहिए जब ये अपना इनका इलेक्शन आता है जब इनको एक छोटी से छोटी गली
एक गरीब से गरीब आदमी का भी मतदाता इनको घर दिख जाता है, ये तो मेन रोड है, ये क्यों नहीं दिख रहा इनको? अगर बाई चांस इत्तफाक से अभी देखें यहाँ से बच्चियाँ भी गुजर रही और आइडिया लगा अनुमान लगा सकते हैं कि अगर बात करें 12:30 की 12:40 की तो बाजार का माहौल यो है, देख लो आज के दिन की बात करूँ तो, और तारीख आज की करीबन बात करूँ तो भैया 19 अक्टूबर और गूगल टाइम हो गया 12:39, यो बाजार का माहौल है। जब त्योहार होंगे तो बाजार की रौनक क्यों होगी, लेकिन होगी तब जब लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि दुर्भाग्य है चाहे महेंद्र जय है चाहे किसी डिपार्टमेंट का है, चाहे पब्लिक हेल्थ का है, चाहे BNDR का, चाहे वो नगर परिषद का काम है, क्योंकि नगर परिषद ये भी लागे थे ये, अब ये चोर दे गए पता नहीं कौन दे गया, पर ये थे लागे थे, ठेका छूटा था, पैसे आए थे ऊपर तक, किसी ने खाए किसी ने खाए, क्योंकि नगर परिषद के अंदर कमीशन खोरी बड़ी जोर शोर पर चलने लग रही है। अब दुर्भाग्य शहर का और ले लो, और लाइट लगवा दी, लाइट ये है कि ख़राब है, माड़ी है, अच्छी है, मरो, पैसा था लग लिया, मिल के खा लिया, बैठ के अटकार भी ले ली, वो अजम भी हो लिया होगा हैं, लेकिन लोगों को मारना है चाहे वो किसी रूप में हो, चाहे त्योहार की बात हो, चाहे वो किसी अन्य काम की बात हो। बिल्कुल यही है जी, सिस्टम सारा ही मतलब डगमगा रहा है, डगमगा गया। हाँ जी चलो, अरे हमारे जो ये नए DC साहब आए हैं हमें इनसे बहुत ही उम्मीद है कि भी हमारे शहर की व्यवस्था, उम्मीद होती तो कल रुकते यहाँ पे। हमारे शहर की जो व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था, भीड़ है, जो खड्डे हो रहे हैं जगह जगह पे अपने, ये हमारे को SP DC साहब से बड़ी उम्मीद है। चलो भाई, अतुल घंटा घर प्रधान को उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, DC साहब आवेंगे जाएंगे, लेकिन कल आए थे, कल रुके भी कोनी, अब आगे की भविष्य देखते क्या होता है। आप युवा दुकानदार हैं तो क्या मानते हैं, सिस्टम से काम कौन नहीं कर रहा, सिस्टम में नीत राम खोरी कौन कर रहा? प्रशासन की कमी है जी, अगर बड़ा व्हीकल नहीं आ गया तो दबता भी ना, यहाँ पे गाड़ियाँ बंद होनी चाहिए, ये देखो ऑटो कैसे भर भर के आ रहे हैं, ऑटो भी बंद होने चाहिए, ऑटो की वजह से एक तो भीड़ भी हो जाती है यहाँ पे, बड़ी गाड़ियों की यहाँ पे पार्किंग है, लोग मानते हैं अगर प्रशासन यहाँ पे पुलिस वाले खड़े होंगे तो आने ही नहीं दें इनको। अब कोई पुलिस वाला खड़ा है यहाँ पे? कोई भी नहीं खड़ा, देखो यहाँ पे भाई मेरे पहली तरफ से खड़े होंगे, मुझे कोई नहीं दिख रहा, लेकिन एक जवान है बैठा जरूर है और फ़ोन पर बात करने लग रहे हैं, वो देख ले भाई, ये मैं नहीं कह रहा, ये दुकानदार कहने लग रहे हैं, लेकिन ड्यूटी है देनी चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, है नहीं, सुरक्षा तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये माहौल है। अब जो जो अधिकारी आएंगे मेरे पास बाइट में आएंगे, उनके सब कुछ सुनाऊंगा था कि कौन के चाव है, कि लोगों की जान खतरे में है करवा चौथ के ऊपर और दीपावली के ऊपर, ये मैं नहीं कह रहा, ये घंटा करके प्रधान अतुल रो लगा रहे, बोल तू गलत कहा, मैंने सही कहा? देखो जी बिल्कुल ठीक है जो आपने कहा, बिल्कुल ठीक है, हादसा कभी भी हो सकता है, हादसा कभी हो सकता है। हाँ चलो, आपको अधिकारी मिल गया तो उसी बात जरूर करूँगा, छोटी मोटी बात को नहीं है, बंशीलाल मार्ग दिखवाना, उसका आगे तो नगर परिषद की रेडियो खड़ी है और यो घासपुरा है, ये देख लो, यो बंशीलाल है और यह बंशीलाल की भी वाणी है, कभी कोई शक कर ले, घंटा घर का चौक है, ऊपर तक तल देख लो बंशीलाल के पत्थर की नाम की यह व्यवस्था है यहाँ के चौक की। अब कित बंशीलाल दिखा और किस बंशीलाल का नाम दिखा, क्यों नाम लिखवाया और क्यों फिर कुछ काम करवाया जो होना है को नहीं। तो तुम्हारों का सीजन है और अधिकारी भी ऐसे होने चाहिए कि जवाब दे भी हो और काम का असर भी हो। तो मैं आ गया भाई रणबीर सिंह जी के पास, जो आज जो कुछ हैं बिजली बोर्ड के अंदर ये ही हैं रणबीर सिंह जी के रूम में, क्योंकि इनका काम भी दिखता है और इनका काम भी दिखाया जा सकता है। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर घंटा घर चौक पर त्योहार आ रहे, एक खंभे को पोल के बारिश की वजह से मिट्टी धसक चुकी सर, वो पोल गिरने को सर त्योहार ऊपर से है। कोई बात नहीं, उसको चेक करा के जो भी उसको दुरुस्त करा देंगे, ऐसे कोई इश्यू नहीं है। पानी बारिश में की वजह से कोई मिट्टी निकल गई, उसकी वजह से आप बता रहे हो तो उसमें मिट्टी डलवा देंगे या उसको थोड़ा सा ठीक करा देंगे। लेकिन सर बाजार के प्रधानों ने कह दिया कि बस बुझ जाओ मत, हमारा प्रशासन तो नेता तो बेशरम हो रहे हैं, अभी सर बेशरम की पदवी कैसे मिल सकती सर? नो कमेंट्स। अरे सर बताएं सर, क्योंकि सर लोग मजबूर सर वहाँ पे ना, अगर बात की जाए सर उस चौक की बात की जाए सर, वहाँ पे सर हजारों परिवार कमा के खाएंगे सर, कोई दीवे बेचेगा सर, मजदूर आदमी सर वो तो मजदूरी करके खाएंगे, लेकिन सर अगर आपका प्रशासन आपका डिपार्टमेंट थोड़ी सी संगा ले ले तो वहाँ पे हजार लोग बैठ के कमा खा सकते हैं और घरों के अंदर सबकी उजाला हो, अगर कोई हादसा ना हो तो सर। कोई नहीं, हादसा हम नहीं होने देंगे, कोई ऐसी अगर आपने बताया तो उसको हम ठीक करा देंगे। थैंक यू सर। तो ये था भी अधिकारी का तड़का और रोब, क्योंकि अधिकारी ने कहा अब ठीक हो जाएगा, तो आरोप ऊपर ऐसी समस्या शहर के अंदर नहीं आने दी जाएगी, ये विश्वास दुआ है रणवीर सिंह जी ने, और कहा कि जल्द से जल्द काम हो जाएगा। थैंक यू। तो
BNR एक्शन के पास आया था कृष्ण कुमार जी के पास, उन्होंने कहा कि हमारे अंडर नहीं है, पब्लिक हेल्थ के अंदर जाओ, रोड भी उन्होंने बनाया था और सीवरेज की भी उनकी लीकेज है, तो अब जाऊँगा पब्लिक हेल्थ के अंदर एक्शन साहब मिलेंगे या कोई और अधिकारी मिलेगा, सर के बात क्या काम होगा या नहीं होगा, एंड के जवाबदेही होगी पब्लिक हेल्थ के एक्शन साहब की कि शहर सर ऐसे ही डूबता रहेगा, ऐसे ही खड्डों पड़ा रहेगा या फिर आप कोई सख्त कार्रवाई या कदम उठाएंगे। तो वो समस्या मैं घंटा कर चौकी मैंने आपको दिखाई। सबसे पहले मैं गया भी SC साहब के पास, बिजली बोर्ड के साहब, फिर मैं गया BNR के एक्शन साहब के पास, उन्होंने कहा कि ये हमारा मसला नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ के अंदर का मसला है। अब पब्लिक, मैंने कहा सर रोड की व्यवस्था आपके अंडर है, पब्लिक हेल्थ के अंदर, उन्होंने कहा कि ये रोड की व्यवस्था पब्लिक हेल्थ ने बना के दिया। तो मैं करीबन यहाँ पर पहुँचा तो करीबन 3 बजने में 10 मिनट बकाया है गाड़ी के अंदर, और गूगल टाइम दिखा दूँ तो 2:48 हो चुके, लेकिन ये है कि यहाँ पे एक्शन साहब है नहीं, लंच पे गए हुए। तो ये व्यवस्था थी आज छोटी काशी के चौक की, त्वार भी है, सब कुछ है, लेकिन ये है कि प्रशासन घुमाया जा रहा, चाहे आम पब्लिक हो चाहे वो पत्रकार हो। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से।